प्रीव्यू करेंगे किरण प्रकाशन के एसएससी सीजीएल के टीसीएस पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ट बुक का दोस्तों हम कवर करेंगे। और ये बुक दोस्तों सामान्य अध्ययन का है, जनरल अवेयरनेस का ये बुक है, जिसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ मार्च 2023 तक के अप टू डेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, 112 सेट आपको इस बुक में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और ये बुक दोस्तों किरण प्रकाशन का ये बुक है, बहुत ही ज्यादा शानदार बुक है, जिसमें केवल टीसीएस के क्वेश्चन को कवर किया गया है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी जो एग्जाम लेता है, जो एसएससी का एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, वो टीसीएस है, तो आपको तैयारी भी टीसीएस के क्वेश्चन का ही करना चाहिए। तो ये बुक है बहुत ही ज्यादा अच्छा है अगर आपको सीजीएल में बेहतर स्कोर करना है तो। इस बुक का जो एमआरपी है दोस्तों 385 रुपए है, और ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और ये बुक मैं बता दूं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए इस बुक के कंटेंट को देखते हैं। तो इस बुक में सबसे पहले आपको देखने को क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको एक कूपन देखने को मिलेगा, जहां पे आपको 50 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर टीसीएस वाले, जिसको आप फ्री में दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेप्स लिखे गए, यहाँ पे बताया गया कि क्या क्या इसकी विशेषता है इस ऑनलाइन टेस्ट का। और यहाँ पे दोस्तों एक नंबर दिया गया, अगर कोई भी दिक्कत है तो उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखिएगा पहला पेज को, पहला पेज में देखिएगा तो यहाँ किरण पब्लिकेशन का ये बुक है, एसएससी सीजीएल टीसीएस पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस बुक के अंदर, 2023 मार्च 2023 तक अप टू डेटेड है। उसके बाद सामान्य अध्ययन और टीयर 1 और टीयर 2 दोनों को कवर किया गया। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार एग्जाम पैटर्न चेंज किया गया है, और मार्च में टीयर 2 के एग्जाम में जीके जीएस को भी पूछा गया है। ठीक है ना, तो टीयर 1 और टीयर 2 के सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन के साथ कवर किया गया। यहाँ पे बताया गया टोटल 112 सेट आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे 17 सेट आपको 2019 के, 13 सेट आपको 2020 के, उसके बाद 14 सेट आपको सीपीओ एग्जाम के, 6 सेट आपको सीपीओ एग्जाम के 2019-20 के, उसके बाद 21 सेट आपको सीजीएल टीयर 1 2021 है, 21 सेट आपको सीजीएल टीयर 1 2022 है, उसके बाद यहाँ पे 4 सेट आपको एसएससी सीपीओ 2022 है, उसके बाद 5 सेट आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था एसएससी सीजीएल टीयर 1, उसके आपको 5 सेट आपको देखने को मिल जाएंगे, और 4 सेट आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पे टीयर 2 के। ठीक है ना, क्योंकि टीयर 2 का एग्जाम केवल 4 दिन ही चला था, मतलब जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए अभी तक टीसीएस ने जितने भी एग्जाम लिए अभी तक एसएससी का 2019 से लेकर 2023 के बीच में, उन सभी के जीके जीएस के क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे। और ये किरण पब्लिकेशन का एक बहुत ही ज्यादा शानदार बुक है। ठीक है, इस बुक के प्रिंटिंग क्वालिटी के बारे में बात करें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एमआरपी दोस्तों 350 रुपए आपको देखने को मिल जाएगा इस बुक का। ठीक है, जिस पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अब देखिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए इन्होंने एक वेबसाइट दिया है, इस पे जाके ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं, करंट अफेयर पढ़ सकते हैं इनके वेबसाइट पे जाके, और इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आगे जाके यहाँ पे विषय सूची को देखते हैं। तो 2019 का जो सेट दिया गया उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ टोटल 17 सेट दिया गया है। देखिए 4/6/2019 का फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब तीनों पाली दिया है, 6 तारीख का प्रथम और तृतीय है, 7 तारीख का प्रथम और तृतीय है, उसके बाद 10 तारीख 11/6/2019, 12/6/2019 और 13/6/2019 है, उसके बाद 19/6/2019, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा 20/2020 के पेपर यहाँ पे, 2020 के 3/3/2020 है। ठीक है, 3 मार्च 2020, 4 मार्च 2020, 5 मार्च 2020 है, उसके बाद 6 मार्च 2020, 7 मार्च 2020, 9 मार्च 2020, उसके बाद 2019 के सीपीओ जो परीक्षा हुआ था उसके प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, 12 मार्च 2020, 13 मार्च 2020, 14 मार्च 2020, 15 मार्च 2020, 16 मार्च 2020 है, नहीं मार्च नहीं है यहाँ पे ना, ठीक है, अब 9 दिसंबर 2020 है, 11 दिसंबर 2020 है, और उसके बाद 12 दिसंबर 2020 है, और 13 दिसंबर 2020 है, उसके बाद दोस्तों 2019 है यहाँ पे, सॉरी क्योंकि 2019 का पेपर था, उसके बाद यहाँ पे नीचे 2020 के पेपर है, तो 23 नवंबर 2020 है, 24 नवंबर 2020, 25 नवंबर 2020। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिएगा दोस्तों 2019 का एसएससी जूनियर इंजीनियर का भी पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 23/9/2019 से 25/9/2019 मतलब सितंबर, और 26/7/2019, 27/7/2019 मतलब सभी शिफ्ट को कवर किया गया। सीजीएल 2021 के एग्जाम को देख लेते हैं कौन कौन से सेट दिए गए, तो 13/8/13 अगस्त 2021 है, यहाँ 2019 था, यहाँ 21 है, 16/8/2021, 17/8/2021, 18/8/2021, 20/8/2021, 23/8/2021, 24/8/2021। ठीक है, उसके बाद 2022 का जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसके जो पेपर है 11 अप्रैल 2022। ठीक है, उसके बाद 12 अप्रैल 13 अप्रैल 18 अप्रैल 19 अप्रैल 20 अप्रैल 21 अप्रैल 2022 के पेपर को कवर किया गया। उसके बाद 2022 में जो एसएससी सीपीओ का एग्जाम हुआ उसके पेपर को देखेंगे तो 9 नवंबर 2022 है, 9 नवंबर 10 नवंबर 11 नवंबर। ठीक है, उसके बाद वर्ष 2022 में जो दिसंबर में एग्जाम हुआ सीजीएल का उसके पेपर को देखेंगे तो 1 दिसंबर 2 दिसंबर 3 दिसंबर 6 दिसंबर और 12 दिसंबर के पेपर को यहाँ दिया गया 2022 वाले। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे वर्ष 2023 में जो एग्जाम हुआ जो टीयर 2 का, जो पहली बार टीयर 2 का एग्जाम हुआ, तो वहाँ देखिएगा आप 2 मार्च 2023, 3 मार्च 2023, 6 मार्च 2023 और 7 मार्च 2023, कुल मिला के इस बुक के अंदर 472 पेज दिया गया। ठीक है,
अब दोस्तों ये पहला सेट को देखिएगा। तो पहला सेट में आपको बता दिया गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 परीक्षा 4/6/2019 शिफ्ट 1। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आप दोस्तों देख रहे हैं वो काफी ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले मैं बता दूं प्रिंटिंग क्वालिटी और पेपर क्वालिटी अच्छा है और बुक काफी ज्यादा बेहतरीन है। जो भी क्वेश्चन है रियल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत ही सजा के दिया गया। फॉन्ट अगर आप देखेंगे तो फॉन्ट भी अच्छा है, फॉन्ट छोटा नहीं है, फॉन्ट बहुत अच्छा क्लियर है, ठीक है ना। तो काफी सारे बुक आप देखेंगे जिसमें फॉन्ट उतना अच्छा नहीं होता है, बट इस बुक में फॉन्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे सामान्य जानकारी यहाँ लिखा गया है। पहला सेक्शन केवल सामान्य जानकारी का ये बुक है, मतलब जीके जीएस का ये बुक है एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए, जो भी ग्रेजुएट लेवल पे एग्जाम होते हैं उनके लिए। तो इसमें केवल जीके के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सब्जेक्ट वाइज आते हैं, जैसे ये देखिए मेरे पास रीजनिंग का बुक है, उसके बाद ये इंग्लिश का अलग बुक आता है, उसके बाद ये मैथ्स का अलग बुक आता है, ठीक है। तो इनको भी चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे टोटल कितने सेट कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, ठीक है, और बिल्कुल रियल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इनको आप तैयार कीजिएगा तो आपका एक आइडिया आपको आपके मतलब आपका बनेगा कि एग्जाम में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना आपका तैयारी है, कौन कौन सा टॉपिक और तैयार करना है, काफी कुछ आपको आइडिया आने वाला है इस बुक को सॉल्व करने के बाद। 25 से क्वेश्चन देने के बाद इन्होंने आंसर की दिया हुआ है, उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। डिटेल सॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा अच्छा है, जैसे मैं एक सॉल्यूशन आपको मतलब पढ़ के यहाँ बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। तो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्ध द्वारा किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य है, तो छम होता है। अब यहाँ देखिए छम हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा धार्मिक और अन्य त्योहारों के दौरान मठों के आंगन में किया जाता है। यह बुरी आत्माओं और राक्षसों को भगाने के लिए किया जाता है। इसका विषय बुरी आत्माओं को खत्म करने और मनुष्यों के अंदर की बुराइयों को समाप्त करने, प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों और महामारियों आदि से बचाने के लिए किया जाता है। तो सॉल्यूशन काफी सिंपल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इस बुक का जो सॉल्यूशन है दोस्तों काफी अच्छा देखने को मिलेगा और काफी डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया, जिससे आप एक से ज्यादा क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं एक ही सॉल्यूशन से। बहुत ज्यादा क्लियर, बहुत ही ज्यादा शानदार सॉल्यूशन आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगला सेट भी इसी तरह आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर इसी तरह से 25-25 क्वेश्चन का सेट आपको देखने को मिलने वाला है, जिस एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए। सीजीएल में तो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं शुरुआत से ही। तो बुक दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा है, और अगर आपको जीके को ज्यादा अच्छा करना है तो आप इस बुक को सॉल्व कीजिए, इस बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, काफी आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि बुक का मोटाई भी बहुत ज्यादा मोटा नहीं है ये बुक, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको सीजीएल का जो नया पेपर है ना उसको दिखाता हूँ। टोटल आपको 472 पेज देखने को मिलेगा रफ स्पेस के बाद। तो ये सीजीएल का न्यू पेपर है जो 2023 में हुआ है, ठीक है ना। जैसे ये देखिए 6 मार्च 2023 टीयर 2 का एग्जाम है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर नॉलेज के भी क्वेश्चन को शामिल किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा जीए और कंप्यूटर नॉलेज, हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन है या नहीं। अगर कंप्यूटर नॉलेज के भी क्वेश्चन होंगे तो काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये 2023 का जो मेंस में पूछा गया टीयर 2 का वो क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है, तो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित ये पूछे गए थे, देखिए कितना मतलब घुमा फिरा के अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए ये ए और बी, ऐसा एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आजकल ये क्या हो रहा है, यूपीएससी पैटर्न को सारे एग्जाम फॉलो करते जा रहे हैं। मतलब आपको बहुत जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख के जाए, ताकि आपको एक बेहतर आइडिया हो पाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन तो जीके जीएस के हैं, उसके बाद जो 26वां क्वेश्चन है वो कंप्यूटर का है। तो मतलब इस बुक के अंदर जो कंप्यूटर नॉलेज है उसको भी शामिल किया गया और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी दिए गए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 45 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिला आपको, 45 क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 25 क्वेश्चन जीके जीएस के। और जो सॉल्यूशन है दोस्तों काफी ज्यादा बेहतर है, डिटेल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं 2-3 पॉइंट में सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया गया, जिससे आपका मल्टीपल क्वेश्चन तैयार हो जाए एक ही क्वेश्चन, एक ही मतलब एक ही बुक से। तो बुक दोस्तों काफी ज्यादा बेहतरीन है, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं, और आप लोग के मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये 2021 का सेट है, आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपको सभी जगह बहुत ही ज्यादा शानदार देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो किरण पब्लिकेशन का भी बुक आ रहा है एसएससी सीजीएल के लिए, ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी और बहुत ही ज्यादा अच्छे बुक है, ठीक है। तो इनके 4 बुक आते हैं जिनके बारे में मैंने आप लोग बता दिया, ये 4 बुक है, आप दोस्तों देख सकते हैं। इन 4 बुक का अलग अलग आपको रिव्यू मिल जाएगा। ये अगर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाना है तो ये 25-26-27 साल के इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। टीसीएस के भी क्वेश्चन इसमें शामिल है और पुराने क्वेश्चन भी शामिल है, तो इनको आप ले सकते हैं। ये टॉपर से इन सभी बुक को प्रीफर करते हैं। इन सभी बुक में आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, विथ कॉन्सेप्ट है, मतलब थ्योरी के साथ पहले समझाया गया, उसके बाद क्वेश्चन को दिया गया टाइप वाइज, बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। मैथ्स आपको केवल अलग तरीके से देखना है तो अभिनय शर्मा सर का बुक है, इस बुक का मैंने रिव्यू किया, बहुत ही ज्यादा शानदार बुक है, बाइलिंगुअल बुक है। इंग्लिश से अगर इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत है तो बिपिन सिन्हा सर का ये बुक है, अच्छा बुक है। रीजनिंग का अभिषेक सर का बाइलिंगुअल बुक है। कंप्यूटर नॉलेज का 2400 प्लस आ गया है, ये न्यू एडिशन है, इसमें सीजीएल के नए वाले क्वेश्चन को शामिल किया गया है। कंप्यूटर के थ्योरी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इनके और भी बुक है, जैसे ये देख सकते हैं कि गुरु रहमान सर के काफी बुक आते हैं, इनको भी चाहे तो आप ले सकते हैं। तो किसी भी बुक का आपको रिव्यू चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफी अच्छा है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।